बात करते हैं एनडीए एग्जामिनेशन के बारे में, दैट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये एग्जामिनेशन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और ये साल में दो बार होता है, एक बार अप्रैल में और एक बार सितंबर में। ये एग्जामिनेशन ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता है पेपर बेस्ड मोड में और इस एग्जामिनेशन के थ्रू एक भी कैंडिडेट आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों में जा सकता है। इस एग्जामिनेशन में अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल अलाउड है और उनका एज समवेयर अराउंड 16 से 20 के बीच में होता है, जो हर साल एज डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया पे बदले हुए होते हैं। तो एलिजिबिलिटी में अगर कोई इंसान आर्मी के लिए अप्लाई कर रहा है तो ही शुड बी अ 12th पास स्टूडेंट, 12th क्लास उसका पास होना चाहिए, और अगर कोई नेवी या एयरफोर्स के लिए कर रहा है तो 12th पास के साथ साथ पीसीएम होना मैंडेटरी है सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो इसमें एग्जामिनेशन होता है दैट इज रिटन एग्जामिनेशन एनडीए एग्जामिनेशन, और एक होता है इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट दैट इज एसएसओ। इसमें दो पेपर होता है, एक पेपर 300 मार्क्स का दैट इज मैथमेटिक्स कंप्लीटली एंड वन पेपर इज जीएटी जनरल एबिलिटी टेस्ट दैट इज 600 मार्क्स, जिसमें आपको जनरल नॉलेज, सोशल साइंस, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बाकी सारी चीजें इंग्लिश भी मिला के ये पेपर होता है। आप इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं upsconline.gov.in पे, और ऐसे ही यूपीएससी के जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं आप वहां पे जाके इनका इन्फॉर्मेशन भी चेक कर सकते हैं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।